मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ विजयलक्ष्मी और हम देख रहे हैं सिविक्स का चैप्टर थर्ड, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था एमएलएस क्या होते हैं, कैसे वो जो इलेक्ट होते हैं। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, किस तरह से जो होता है एमएलए जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं। आज हम देखेंगे ए डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें किस तरह से डिबेट होती है, ठीक है, जो सारे मेंबर होते हैं वो किस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। आफरीन, सुजाता एंड मैनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रेवल टू द स्टेट कैपिटल्स टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। ठीक है, स्कूल के जो बच्चे हैं वो जो स्टेट कैपिटल है वहाँ जाते हैं और विज़िट करते हैं, स्कूल की तरफ से जाते हैं, ठीक है, और विज़िट करते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, जो बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स में होती है। द चिल्ड्रंस वर एक्साइटेड, बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। आफ्टर सिक्योरिटी चेक्स के बाद में दे वर टेकन अप स्टेयर, वो ऊपर की तरफ जाते हैं। देयर वॉज ए गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लॉर्ड्स, बड़ी जो गैलरी होती है ना उसके अंदर वो देखते हैं एक लॉर्ड्स हॉल। ठीक है, देयर वॉज रो एंड कॉल रो ऑफ डेस्क, ठीक है, वहाँ पे रो लाइंस बनी होती है और वो जो रोज होती है ना उनके अंदर डेस्क होती है। ठीक है, देखिए अभी नीचे डायग्राम आएगा उसके अंदर हम देखेंगे किस तरह से जो असेंबली होती है उसका स्ट्रक्चर होता है। द असेंबली वॉज गोइंग टू हैव ए डिबेट ऑन ए करंट प्रॉब्लम, असेंबली जो है उसके ऊपर उसके अंदर डिबेट हो रही है। डिबेट का मतलब होता है ना वाद विवाद, ठीक है, बहस, ठीक है, बात, तो वो हो रही है करंट प्रॉब्लम को लेके, ठीक है, जो भी करंट का इश्यूज होता है उसको लेके डिबेट होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू, जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर जो एमएलएस होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं रिलेटेड दिस इश्यूज से और सजेशन अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए। ठीक है, दोज वो विश टू कैन रेस्पोंड टू दिस, जिसकी इच्छा है वो इसको रेस्पोंड कर सकता है। द मिनिस्टर देन रिप्लाइज, मिनिस्टर होते हैं वो रिप्लाई करते हैं टू क्वेश्चंस एंड ट्राई टू एश्योर द असेंबली दैट एडिक्वेट स्टेप आर बीइंग टेकन। ठीक है, जो मिनिस्टर होते हैं ना वो डिसाइड, मतलब जो एश्योर होते हैं कि असेंबली है वो अच्छा डिसीजन लेंगी। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देखे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो असेंबली होती है उसके अंदर सेलेक्ट होके एमएलए जाते हैं। ठीक है, और इनको इलेक्ट कौन करता है, जनरल पीपल्स, ठीक है, आम जनता। तो ये जो एमएलएज होते हैं इसके अंदर से जिस पार्टी को मेजोरिटी जो वोट मिलते हैं ना, मेजोरिटी होती है, तो उसको फिर वो पार्टी है विनिंग पार्टी हो जाती है और उसके बाद में उस पार्टी के अपोजिशन के अंदर दूसरी पार्टी आती है। ठीक है, तो ये जो सारे पर्सन सेलेक्ट होके जाते हैं वो सारे के सारे एमएलए बनते हैं और इन्हीं एमएलए के अंदर से जो मेजोरिटी पार्टी है उनके कुछ मेंबर होते हैं वो मिनिस्टर बनते हैं। मिनिस्टर जो होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी अगर क्वेश्चन होगा, कोई भी मैटर होगा, करंट का कोई इश्यू होगा जिस पे असेंबली के अंदर डिबेट करानी है, ठीक है, तो इसके लिए उस टॉपिक को रखा जाता है। उसके बाद में जो गवर्नमेंट होती है वो और अपोजिशन के जो अदर जो एमएलएज होते हैं, देखिए असेंबली के अंदर जो सारे मेंबर्स होते हैं ना वो सारे एमएलएज होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हो या अपोजिशन वाले हो। ठीक है, तो ये जो एमएलएज होते हैं ना ये फिर किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं और जो असेंबली के अंदर जो मिनिस्टर होते हैं ना वो श्योर होते हैं कि असेंबली जो है वो अच्छा डिसीज़न लेंगी। इसमें जो सारे जो मिनिस्टर ये जो सारे एमएलएज होते हैं उनसे उनकी जो थॉट्स होते हैं वो लिए जाते हैं, उनके विचार लिए जाते हैं। द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन, अब डिसीजन कौन लेता है, देखिए सारे जो एमएलएज होते हैं ना उसमें पार्ट तो लेते हैं, जो डिबेट होती है उसमें पार्ट लेते हैं, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर लेते हैं जो गवर्नमेंट को चलाते हैं। वी यूजुअली हियर, हम सुनते हैं अबाउट देम और सी इन द न्यूज़ चैनल्स, हम लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल और न्यूज़पेपर में कि सीएम होते हैं और मिनिस्टर होते हैं, आप लोगों ने भी टीवी के अंदर देखा होगा। तो ठीक है, हाउएवर वट हाउएवर वॉट एवर डिसीजन आर बींग टेकिंग
टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो भी डिसीजन लेते हैं ना, इसको अप्रूव कैसे मिलता है, मतलब सारे जो है वो उसके फेवर में या उसको कैसे अप्रूव करते हैं असेंबली के अंदर। इन ए डेमोक्रेसी, देखिए हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी होती है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, सिंपल से डेफिनेशन होती है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है ना वो टू पीपल्स, फोर पीपल्स और बाई पीपल्स वाले पॉलिसी पे वर्क करती है। ठीक है, गवर्नमेंट है वो जनता जो पीपल्स होती है उससे सेलेक्ट होके बनती है, जो लोग होते हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट करके भेजते हैं, उसके बाद में वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने पब्लिक के लिए वर्क करते हैं। ठीक है, तो जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, ठीक है, ये इसकी हिंदी के अंदर डेफिनेशन है। तो डेमोक्रेसी पब्लिक से रिलेटेड होती है, ऑर्डनरी जो पीपल्स होते हैं उनसे रिलेटेड होती है। दीज मेंबर्स कैन आस्क क्वेश्चन, जिसके अंदर मेंबर्स आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट इश्यूज डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंड, कि डिसाइड कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि कहाँ पे है जो पैसे स्पेंड करने हैं, मतलब कौन सा जो मैटर है वो इम्पोर्टेंट है उसको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, और किस तरह से हमको वर्क करना चाहिए जिससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो। दे हैव द मेन अथॉरिटी, तो इन्हीं के पास जो होती है ना वो सारी अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ पे जो चैप्टर, ये जो होता किस तरह से इसके अंदर डिबेट होता है। ये इसके अंदर एक स्टोरी बताई गई है, देखिए ये यहाँ जो ये डायग्राम दे रखा है, देखिए ये असेंबली होती है, असेंबली के अंदर सबसे पहले आप लोग है जो न्यूज़पेपर या फिर टीवी के अंदर इसको देखना, कभी समझने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी और काफ़ी इंटरेस्टिंग आएगी। तो यहाँ पे जो सबसे ऊपर जो एक चेयर होती है उसके ऊपर स्पीकर बैठते हैं, ठीक है, ये हमारे स्पीकर है। उसके बाद में यहाँ पे नीचे ये रो के अंदर चेयर्स लगी होती है, टेबल्स लगी हुई होती है, जैसे हाफ इधर होती है और उसके बाद में यहाँ कुछ स्पेस छोड़ के कुछ इधर भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो मिनिस्टर और एमएलए जो होते हैं वो बैठते हैं। ठीक है, फिर वो यहाँ से अपने क्वेश्चन पूछते हैं और स्पीकर जो है उनका जो हेड होता है उसके सामने वो अपनी बात रखते हैं। जिस तरह से क्लास का सीन लग रहा है ना, जिस तरह से क्लास के अंदर जैसे मान लेते हैं टीचर और मॉनिटर होते हैं और उसके बाद में ये जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो अपने सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, एमएलए वन, देखिए इसके अंदर वन टू थ्री ऐसे मार्क भी कर रखा है। ठीक है, तो वन नंबर का जो एमएलए वो क्या पूछ रहे हैं, इन माई कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है ना निर्वाचन क्षेत्र जहाँ से उन्होंने वोट में वोट हुए थे और वहाँ से वो जीते हैं, तो ये इनके निर्वाचन क्षेत्र की बात है। अकन गोहन ड्यूरिंग द लास्ट थ्री वीक्स, वहाँ मतलब लास्ट जो थ्री वीक्स है देयर वर 15 डेथ हो चुकी बिकॉज द डायरिया। ठीक है, तो इनके जो निर्वाचन क्षेत्र है जहाँ से ये लोग चुनाव जीते हैं वहाँ पे 15 डेथ हो चुकी है डायरिया की वजह से। आई थिंक इट्स सेम, ये बहुत ही शर्म की बात है, दैट इज़ द गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू टेक द सिचुएशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम लाइक डायरिया। देखिए वैसे डायरिया है जो उसको सिंपल प्रॉब्लम ही बोल रहे हैं ये। ठीक है, तो ये जो सिंपल प्रॉब्लम है इसका भी जो गवर्नमेंट है वो कुछ सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पा रही है, ये अपना मैटर है वहाँ पे असेंबली में रख रहे हैं। ठीक है, वाइल प्रोक्लेमिंग इट्सेल्फ टू बी चैंपियन ऑफ टेक्नोलॉजी, आई वुड कॉल टू द अटेंशन, ये जो मिनिस्टर है, ये जो एमएलए है वो मिनिस्टर को कहते हैं कि आई वुड कॉल टू अटेंशन ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ हेल्थ, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनका अटेंशन या उनका ध्यान बताना चाहते हैं, उनको ये चीज़ बताना चाहते हैं, टेक इमीडिएट मेजर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन, तो जल्दी से ही कोई इमीडिएट है ना आप लोग डिसाइड कीजिए कि क्या करना है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ये देखिए अपने एरिए की जो प्रॉब्लम होती है ना उसको ये लोग असेंबली में रखते हैं, उससे जो रिलेटेड मिनिस्टर होता है वो इस पर वर्क करता है। ठीक है, सेकंड जो एमएलए वो कह रहे हैं माय क्वेश्चन इज़ वाई आर गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन सच ए बैड सिचुएशन, कि गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है वो बैड सिचुएशन में क्यों है, ख़राब स्थिति में क्यों है, वाई इज़ द गवर्नमेंट नॉट अपॉइंटिंग प्रॉपर डॉक्टर, जो प्रॉपर डॉक्टर उनको क्यों अपॉइंट नहीं करते हैं, एंड अदर मेडिकल स्टाफ इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पर मेडिकल स्टाफ की भी कमी है। I would also like to know how the government plan to deal with this situation. Government है वो इस situation के अंदर कैसे plan कर रही है, किस तरह से अपना जो program set कर रही है, which is affecting a large number of people and its
ऑल्सो स्प्रेडिंग दिस इज एन एपेडमिक, कि यहाँ पे एक एपेडमिक या महामारी फैली हुई है। ठीक है, एपेडमिक का मतलब होता है महामारी, और देखिए प्रेजेंट टाइम में हमारे यहाँ पे कोरोना जो है ना, कोविड, वो एपेडमिक जो वर्ल्ड वाइड एपेडमिक के रूप में फैली हुई है। ठीक है, तो इस तरह से जो एमएलएज होते हैं ना, वो अपने क्वेश्चंस गवर्नमेंट और जो मिनिस्टर होते हैं उनके सामने रखते हैं। ठीक है, थर्ड एमएलए कहते हैं, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है टोल पट्टी टू, हैज़ टू सीरियस शॉर्टेज ऑफ वाटर, यहाँ पे इनके पानी की बहुत कमी है। वुमन ट्रेवल, महिलाओं को जाना पड़ता है 3 से 4 किलोमीटर पानी कलेक्ट करने के लिए। हाउ मेनी टैंकर्स हैव बिन पुट इनटू सर्विस टू सप्लाई वाटर, कितने वो टैंकर डलवा सकते हैं। हाउ मैनी वेल्स टू पॉन्ड्स हैव बिन क्लीन एंड डिसइनफेक्टेड, कि जो कितने पॉन्ड हैं वो साफ़ हैं और कितने जो कुएँ हैं वो क्लीन और डिसइनफेक्टेड, मतलब जहाँ से लोग जो है वो पानी का यूज़ कर सके। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अपने अपने जो निर्वाचन क्षेत्र, मतलब अपना अपना जो एरिया है जहाँ से वो लोग इलेक्ट होकर जाते हैं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको वो लोग जो एमएलए हैं वो असेंबली के अंदर रखते हैं, उनके उनको बताते हैं, गवर्नमेंट होती है उसको उनको ध्यान में दिलाते हैं कि हमारे एरिए की ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन करें। ठीक है, फोर नंबर एमएलए वो कह रहे हैं, आई थिंक माई कोलीग्स आर एग्जीक्यूटिंग द प्रॉब्लम्स। तो फोन नंबर जो है वो एमएलए क्या कह रहे हैं, आई थिंक माई कलीग्स आर एग्जीक्यूटिंग द प्रॉब्लम्स, मेरे जो कलीग है, मतलब जो साथ में काम करने वाले जो पर्सन होते हैं ना, उनको कलीग कलीग बोलते हैं। ठीक है, तो मेरे जो कलीग है वो एग्जीक्यूटेड, मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बताना। ठीक है, जैसे छोटी सी बात है उसको एक्सपेंड करके बताना। तो ये कह रहे हैं मेरी जो कलीग्स है वो प्रॉब्लम्स को एक्सपेंड करके बता रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज़ टेकन स्टेप, गवर्नमेंट है उसको टेकन स्टेप लेना चाहिए कंट्रोल द सिचुएशंस। वाटर टैंकर हैव बीन पुट इनटू सर्विस, वाटर टैंकर है वो भी सर्विस के लिए हैं। ORS पैकेट आर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, ORS के जो पैकेट होते हैं, डायरिया जो प्रॉब्लम होती है ना, उस ORS का जो सॉल्यूशन दिया जाता है। द गवर्नमेंट इज़ डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल टू हेल्प पीपल्स, गवर्नमेंट जो है वो लोगों की हेल्प के लिए वर्क कर रही है। एमएलए जो 5 नंबर के वो क्या कह रहे हैं, वी हैव वेरी पुअर फैसिलिटीज़ इन आवर हॉस्पिटल्स। ठीक है, तो ये कह रहे हैं हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर तो बहुत ही ख़राब कंडीशंस है। देयर आर हॉस्पिटल्स दैट डू नॉट हैव ए डॉक्टर, डॉक्टर नहीं है, एंड नो मेडिकल स्टाफ हैज़ बीन अपॉइंटेड फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, कोई मेडिकल जो स्टाफ है वो भी नहीं आया है पिछले कुछ सालों से। इन अनदर हॉस्पिटल डॉक्टर हैज़ गोन ऑन ए लॉन्ग लीव, दूसरे हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर वो लंबी छुट्टी पर चले गए हैं। दिस इज़ शेम, बहुत ही शर्म की बात है। आई थिंक द सिचुएशन इज़ गोइंग फॉर बैड टू वर्स। ठीक है, जो सिचुएशन है वो ख़राब से बद से बदतर, मतलब स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर और मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हाउ आर वी गोइंग टू इंश्योर दैट ORS पैकेट रीच ऑल फैमिलीज इन द अफेक्टेड एरियाज, तो किस तरह से जो ORS के पैकेट है, देखिए ऊपर वाले जो मिनिस्टर है उन्होंने कह दिया था ना कि ORS के पैकेट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो कह रहे हैं कि सारे जो फैमिलीज़ हैं उनको उन तक किस तरह पहुँचेंगे। देखिए गवर्नमेंट जो होते हैं ना, फैसिलिटी बहुत देती है, अवेलेबल करवाती है सारी फैसिलिटी, लेकिन वो सारी जनता तक पहुँच पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि गाँव के अंदर काफ़ी डिस्टेंस के अंदर जो लोग रहते हैं और अनअवेयर भी होते हैं, तो लोगों को जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना वो पता भी नहीं चल पाती है। जो 6 नंबर के MLAs है वो पूछ रहे थे, अपोजिशन मेंबर आर अननेसेसरीली, देखिए ये कह रहे हैं कि अपोजिशन के जो मेंबर है वो अननेसेसरीली, मतलब बिना बात के ही ब्लेमिंग कर रहे हैं गवर्नमेंट के ऊपर। द प्रीवियस गवर्नमेंट डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू सैनिटेशन, कि पिछली जो गवर्नमेंट थी ना उन्होंने सैनिटेशन पे ध्यान नहीं दिया, साफ सफाई पे ध्यान नहीं दिया। वी हैव नाउ टेकन अप ए ड्राइव, हम लोग जो है वो क्लियर गार्बेज जो साफ सफाई है उसका ध्यान रख रहे हैं, लेइंग अराउंड योर ईयर्स। ठीक है, तो ये देखिए सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं कि किस तरह से जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी उस पर ब्लेम डाल रहे हैं, और जो नई जो गवर्नमेंट आई है वो अपने आप प्रोटेक्ट कर रही है। तो इस तरह से देखिए 1 नंबर 2 नंबर जो अलग अलग MLA से ना उनकी बात बताई गई है इसके अंदर। तो इस तरह से देखिए कहने की यहाँ पे ये समझाया गया है कि किस तरह से जो MLA है वो सेलेक्ट होते हैं, और उसके बाद में MLA जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठते हैं,
और उसके बाद में अपने अपने एरिए की बात है, अपने अपने एरिए की जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको असेंबली के अंदर प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये उनके वर्किंग का सिस्टम होता है। इसके बाद में जो भी इनका टॉपिक होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट है वो डिस्कस करती है और फिर डिसीजन लेती है। इन द अर्लियर सेक्शन यू हैव रीड अबाउट द डिबेट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके बारे में हम लोगों ने देख लिया किस तरह से डिबेट होती है, बहस होती है ना। द मेम्बर्स वर डिबेटिंग द एक्शन टेकन और नॉट टेकन बाय द गवर्नमेंट। अभी डिबेट तो हो जाती है लेकिन इसके ऊपर जो एक्शन लेने का वर्क है वो गवर्नमेंट को करना होता है। तो गवर्नमेंट इस पर एक्शन ले भी सकती है और नहीं भी ले सकती। देखिए गवर्नमेंट को जो सूटेबल लगता है और जो उनके जो पॉलिसीज़ के अंदर आता है उन पे वो वर्क करती है। दिस इज़ बिकॉज द MLAs आर टुगेदर रेस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ऑफ गवर्नमेंट। MLA जो होते हैं ना वो भी गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं। इन कॉमन यूजेस द वर्ड गवर्नमेंट रेफर टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड वेरियस मिनिस्टर वो हैड देम। देखिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वर्ड जो है ना वो रेफर्स हुआ। देखिए इसको इन्वर्टेड कोमा में बताया तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट का वर्ड है वो रेफर हुआ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ठीक है। देखिए जो भी सरकारी विभाग होते हैं डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि एजुकेशन हो गया, उसके बाद में जैसे रोड हो गया, सेफ्टी हो गया, पुलिस हो गया, तो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, मेडिसिन हो गया, वेरियस मिनिस्टर और सारे जो मिनिस्टर होते हैं ना जो इस टीम इसके अंदर शामिल होते हैं, तो ये सारे के सारे गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं। द ओवरऑल हेड इज़ द चीफ मिनिस्टर। और इन सब का हेड कौन होता है, गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, चीफ मिनिस्टर। देखिए ऑल मिनिस्टर ऑल डिपार्टमेंट इन सब का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। मोर करेक्टली दिस इज कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और इसको क्या आप बोल सकते हैं, एग्जीक्यूटिव पार्ट। देखिए इसको अंडरलाइन करके आपको ध्यान में रखना है कि एग्जीक्यूटिव पार्ट के अंदर कौन होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है किसी भी वर्क को करना, ठीक है, एग्जीक्यूट करना, टू डू वर्क, काम करना। ऑल द MLAs वो गैदर टूगेदर यानी असेंबल इन द लेजिस्लेटिव असेंबली आर कॉल्ड द लेजिस्लेचर। इसको अंडरलाइन करके आपको रखना है, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि जो लेजिस्लेचर क्या होता है, विधानमंडल क्या होता है। तो ऑल द MLAs सारे जो MLAs टुगेदर यानी असेंबल होकर रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, वो सारे के सारे लेजिस्लेचर कहलाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं विधानमंडल। तो जितने भी मेंबर सेलेक्ट होकर असेंबली के अंदर बैठते हैं, सिट करते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे MLA होते हैं। और देखिए इसके बाद में भी हमने बताया था कि इन MLA के अंदर से जो विनिंग पार्टी होती है, रूलिंग पार्टी होती है, वो अपने गवर्नमेंट बनाती है और उसके अंदर मिनिस्टर बनते हैं। बट जितने भी पर्सन हैं वो इलेक्ट होके जाते हैं। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर एग्जांपल लेते हैं, 200 सीट है, तो 200 पर्सन क्या हो गए, हमारे MLA। सारे के सारे मिनिस्टर नहीं बनते हैं, इनके अंदर से भी 15% ऐसा कुछ बनते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे नहीं बनते हैं, जो सेलेक्ट होके जाते हैं वो सारे के सारे MLA कहलाते हैं और वो लेजिस्लेचर का पार्ट होते हैं। तो ये जो है ना, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। दे आर द वन वो ऑथोराइज एंड सुपरवाइज देयर वर्क, ठीक है। तो ये अपना वर्क है उसको सुपरवाइज करते हैं। एज वी शो हम देखते हैं इन द अर्ली सेक्शन इट इज़ फ्रॉम अमोंग दैट ही हैड ऑफ़ द एग्जीक्यूटिव और द चीफ मिनिस्टर इज फॉर्म, ठीक है। ये अपने अपने डिपार्टमेंट की या जो भी सेक्शन होता है उसके अंदर वर्क करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इनके वर्क करने का या इनका डिबेट का तरीका बताया गया है। देखिए लास्ट के अंदर हम एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं कि हमारे यहाँ पे जितने भी पर्सन, जैसे राजस्थान का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 200 जो 200 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर की सीटें हैं, तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे पूरे एरिया के अंदर से जो है वो 200 लोग सेलेक्ट होके जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 200 लोग हैं ये होंगे सारे के सारे MLA। तो हमारे यहाँ पे MLA की मतलब कितनी पोस्ट है, 200 MLA है हमारे यहाँ पे। इसके बाद में ये जो MLA होते हैं ये अलग अलग पार्टी से इलेक्ट होके जाते हैं। इनके अंदर से जिस पार्टी को हम लोगों ने पार्टी सिस्टम देखा था, BJP कांग्रेस बसपा जो भी है, तो जिस पार्टी को 50% प्लस वोट मिलते हैं, ठीक है, जिसको भी 50% प्लस वोट मिलते हैं वो रूलिंग पार्टी हो जाती है। और वो जो रूलिंग पार्टी है
वो अपने यहाँ से मिनिस्टर और सीएम का सिलेक्शन करती है, ठीक है, फिर वो आगे सारा जो भी स्टेट का वर्क है वो करते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट।